10 आयर ब्लास्टर स्मार्टफोन। देखो सिर्फ शाओमी के अंडर जितनी भी कंपनीज आती है जैसे कि रेडमी, पोको, जो भी है, इनके सब ब्रांड्स, इन्हीं स्मार्टफोन्स में ज़्यादातर आयर ब्लास्टर मिलता है। ज़्यादातर क्या मिलता ही है, और सिर्फ शाओमी के स्मार्टफोन में ही क्यों आयर ब्लास्टर मिलता है, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, उसको ज़रूर देखना। और उसी वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स थे जैसे कि टॉप 10 या मतलब टॉप 10 आयर ब्लास्टर स्मार्टफोन, मतलब बताइए ऐसे कुछ स्मार्टफोन जो कि आयर ब्लास्टर के साथ आते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको आयर ब्लास्टर वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आपको रेडमी, जो भी मतलब जो भी चाइनीज कंपनीज है जैसे कि रेडमी हो गए और हॉनर, हुआई, यही कंपनी से आपको एयर ब्लास्टर के स्मार्टफोन अभी इस टाइम पर प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी और स्मार्टफोन अगर आप कंपनी देखो तो आपको एयर ब्लास्टर नहीं मिलेगा। एलजी का एक दो फोन थे एलजी के, तो उसमें था लेकिन उन्होंने भी अब निकाल दिया और अब कंपनी भी शट डाउन हो गई। तो ज़्यादातर मतलब कंपनीज एयर ब्लास्टर नहीं देती। अगर मैं आपको टॉप 10 की लिस्ट निकाल भी दूँ तो उसमें ज़्यादातर शाओमी के स्मार्टफोन होंगे जैसे पोको, रेडमी और हुआई, हॉनर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन बताना ज़रूरी था कि हाँ मतलब अगर आप आयर ब्लास्टर वाला फ़ोन कंसिडर करते हो तो आपको चाइनीज़ फ़ोन में ही मिलेगा, वैसे किसी और में नहीं। सैमसंग भी नहीं देता, कोई भी छोड़ दो, टॉप 10 की लिस्ट देखो आपको पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। टॉप 10 आयर ब्लास्टर की मैंने स्मार्टफोन की लिस्ट निकाली, लेकिन ये सभी अपने रेंज में ज़बरदस्त थे, तो इतना ध्यान रखना। आपने कहा टॉप 10 स्मार्टफोन विथ आयर ब्लास्टर, मतलब उसमें होना चाहिए, तो आयर ब्लास्टर को साइड में रखते हुए कौन कौन से फ़ोन अपने रेंज के हिसाब से आयर ब्लास्टर भी देते हैं और आपको फीचर भी अच्छे मिले, इस हिसाब से मैंने निकाले। तो नंबर 1 पे आता है हुआई P40 Pro और P40 Pro Plus। फ़ोन बहुत ही मतलब महंगा है लेकिन कॉस्टली फ़ोन है, लेकिन फीचर्स भी बहुत ज़्यादा देता है और आयर ब्लास्टर इसमें आपको मिलता है। लेकिन हाँ, जो अभी के टाइम पे मतलब चाहिए हमारे स्मार्टफोन में, मतलब हमारी लाइफ बहुत ईजी बन जाती है उससे, गूगल, तो इस फ़ोन में आपको गूगल की कोई भी आपको सेवा नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि क्योंकि ठीक है। तो जो सेकंड नंबर पे आता है उसका नाम है Poco F3, जो कि Xiaomi की तरफ से आता है, अभी तो स्टार्ट हुआ है Xiaomi की तरफ से, ठीक है। इसके फीचर्स भी बहुत ज़बरदस्त है, अपने प्राइस के हिसाब से आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। अगर इतना आपका बजट है स्मार्टफोन के प्राइस के हिसाब से तो ज़रूर इसको एक बार कंसिडर करना। तो जो सेकंड नंबर पे आता है वो Poco F3, जो कि Xiaomi की तरफ से आता है और बहुत ज़बरदस्त फ़ोन है अपने प्राइस के हिसाब से। तो अगर आप जो Poco F3 की प्राइस अगर पे करते हो तो आपको आयर ब्लास्टर के साथ उस प्राइस के हिसाब से, मतलब कोई भी सिर्फ आयर ब्लास्टर होना चाहिए तो इसलिए सभी फीचर्स को साइड में रखे ऐसा नहीं है, तो आपको सभी के सभी फीचर्स आपको इस स्मार्टफोन में मिलते हैं, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। थर्ड नंबर पे आता है Xiaomi की तरफ से MI 11 सीरीज। देखो Xiaomi की तरफ से जो जो अपने प्राइस के हिसाब से बेस्ट है मैंने वही निकाले, मैंने पहले भी बताया। तो Xiaomi के जो MI 11 सीरीज़ है उसमें बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो और उसमें आपको आयर ब्लास्टर मिलेगा। अगर आप Redmi का, Xiaomi का कोई भी स्मार्टफोन उठा के ले लो तो आपको आयर ब्लास्टर मिलेगा। हुआई भी कंपनी आपको आयर ब्लास्टर देती है और हॉनर भी आपको आयर ब्लास्टर देती है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सभी स्मार्टफोन में, कुछ कुछ, लेकिन Redmi हमेशा सभी स्मार्टफोन में देता है, इतना ध्यान मतलब इतना ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है Redmi K40, फ़ोन बहुत मतलब ज़बरदस्त है आप सबको पता है, तो इसमें भी आपको आयर ब्लास्टर मिलता है। नेक्स्ट है 5th नंबर का स्मार्टफोन है Xiaomi की तरफ से MI 10T सीरीज, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है। मैंने सीरीज़ इसलिए लाई, मतलब अगर मैं आपको बताऊँ कि 10T है, ओ है, तो इसमें मतलब बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा और टॉप 10 लिस्ट ऐसे ही बढ़ जाएगी, तो सीरीज़ में बहुत सारे स्मार्टफोन निकालते हैं। तो Xiaomi की MI 10T सीरीज़ बहुत ज़बरदस्त है, अच्छी है, ज़बरदस्त है बहुत मतलब ज़्यादा आ रहा है, लेकिन इसको मतलब बताने के लिए वो शब्द ही काफ़ी है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। तो जो 6th नंबर पे आता है उसका नाम है Redmi Note 10 और Note 10 Pro। तो ये फ़ोन मतलब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ़ोन अपने प्राइस के हिसाब से आपको सभी फीचर्स प्रोवाइड करता है। और मैं आपको बताऊँ तो Redmi Note 10 और Note 10 Pro, Note 10 तो बिंदास ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। लेकिन Note 10 Pro लेते समय आप Realme का 8 भी उसके साथ मतलब देखो कंपेयर करके, अगर आपको आयर ब्लास्टर ज़रूरत नहीं है तो, ठीक है। और लिस्ट हमारे आयर ब्लास्टर की, तो मैं आपको बिंदास बोल सकता हूँ कि आपको Redmi का Note 10 Pro लेना चाहिए। अपने प्राइस के हिसाब से स्मार्टफोन बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी प्राइस दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो देखो अगर सिमलर मिलता है अच्छे प्राइस पे और तो आपको लेना बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन है Poco X3 और X3 Pro, ये दोनों भी स्मार्टफोन आप कितनी बार बोलो बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त है, तो आप इसको भी ले सकते हो। सभी स्मार्टफोन अपने प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। तो जो Poco X3 है मतलब बहुत अच्छा है, इसको भी लोग मतलब रिव्यू दे रहे हैं, और X3 Pro तो उससे भी ऊपर है और अच्छा है, आप इसको भी देख सकते हो। और सभी स्मार्टफोन में आयर ब्लास्टर है। तो जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है उसका नाम है Poco M3। तो Poco सीरीज़ में बहुत सारे फ़ोन है और कंपनी Poco सीरीज़ में फीचर्स भी बहुत अच्छे देते हैं,
तो सॉफ्टवेयर जो भी रैम है सब मतलब अपने प्राइस के हिसाब से जो रैम देते हैं, जो भी फीचर्स देते हैं सभी बहुत अच्छे हैं। तो आपको यहाँ पे मतलब टॉप टेन लिस्ट आयर ब्लास्टर के, तो इसको सिर्फ आप आयर ब्लास्टर के लिए कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप आयर ब्लास्टर को साइड में भी रखते हो, अगर तब भी लेते हो इन सभी स्मार्टफोन को टॉप टेन लिस्ट वाले, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है वो एल जी की तरफ से G5। स्मार्टफोन जरूर पुराना है लेकिन एल जी की तरफ से एक स्मार्टफोन था आयर ब्लास्टर वाला, तो बताना जरूरी है। तो एल जी की तरफ से भी आता है एक G5 स्मार्टफोन, तो मतलब स्मार्टफोन पुराना है तो आप देख सकते हो अभी मिलता है या नहीं, इतना मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इस स्मार्टफोन में आपको आयर ब्लास्टर मिलता है। तो ये लिस्ट है हमारी, मतलब मुझे पता नहीं टॉप 10 है 11 मतलब कितने हो गए या 9, तो इस लिस्ट में इतने थे जो भी मैंने निकाले। लेकिन आप रेडमी का कोई भी स्मार्टफोन आपको जो पसंद है, अच्छा लगता हो, अगर आप उसको लेते हो तो आपको आयर ब्लास्टर मिलेगा। और हुआई के भी, हुआई मतलब बहुत मतलब इनके फोन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो इनका भी आप कोई स्मार्टफोन लेते हो तो आपको आयर ब्लास्टर मिलेगा, लेकिन एक बार चेक जरूर कर लेना। और अब तो अपनी इको सिस्टम मतलब पूरा जो बना रहे हैं, तो आप कोई भी और प्रोडक्ट लेते हो तो अच्छे से आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। और पोको सीरीज में भी बहुत सारे स्मार्टफोन हैं शॉमी के अंदर जितने भी आते हैं सब कुछ। तो इस वीडियो में इतने था, और हाँ इस लिस्ट में मैंने आपको जितने भी सारे स्मार्टफोन को बताया, तो इन सभी स्मार्टफोन की जो भी लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई बेस्ट बाय लिंक नहीं, जो भी करंट प्राइस के हिसाब से लिंक है वो आपको मिल जाएगी। तो मतलब प्ले स्टोर पे या मतलब प्ले स्टोर कहाँ पे बीच में अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी जाके मतलब खुद जाके चेक कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस लिंक से किया तो मुझे थोड़ा मतलब आपको भी पता है, ठीक है, अपलेट लिंक से सारे के सारे। तो और मतलब कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है, बताने से पहले कि आप कैश करो और लेटी शॉप का भी यूज़ कर सकते हो, आपको एडिशनल कैशबैक जरूर मिलेगा, तो उसके भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मतलब नहीं मिले सच्चे कुछ मिल जाए तो, ठीक है। इस वीडियो में इतने था, मैंने आपको टॉप 10 की लिस्ट निकाल की थी आयर ब्लास्टर वाली, तो आप कोई भी स्मार्टफोन ले सकते हो। और लास्ट मिनट जरूर बोल मतलब कहना चाहता हूँ कि शॉमी के अंदर जितने मतलब ब्रांड आते हैं, अगर आप उनमें से कोई भी लेते हो पोको शॉमी रेडमी तो MI, तो आपको आयर ब्लास्टर मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना था, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गर्मी तुझे से शुरू जन्नते मेरी, तुझे पे खत्म आशिकी मेरी, तू बन जा जिंदगी मेरी, तेनू दिल दा वास्ता, तू आजा सब छोड़ छाड़ के।